सूर्य कुमार यादव जिस किस्म की फॉर्म में है, रोहित शर्मा जिस किस्म की फॉर्म में है, आई मीन उनके मेन चार बैट्समैन आप ऊपर से आउट कर देते हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू जस्ट कम बैक इन दिस गेम. बट अगेन आई मीन दिस इज़ हाउ इट इज़, वन ऑफ द ग्रेट्स अगर आप कहें. द वे विराट प्लेड, आई थिंक ही शोड हिज क्लास. और जैसे ही वो फॉर्म में आया है, और वो यही कह रहा था कि यस आई हैव सीन टफ टाइम्स. ये नहीं है कि दोनों ने बात कर ली और अच्छी बात की है, लेकिन विराट कोहली कभी T20 का बेहतरीन प्लेयर नहीं रहा. एवरेज अच्छा है, स्ट्राइक रेट हम आपको मुवादना करते हैं स्मिथ के साथ करते हैं, विलियमसन करते हैं, बाबर आजम करते हैं, रूट करते हैं, ये दुनिया. तो दोस्तों आपको और आपकी फैमिली को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप जहां पर भी हैं खुश रहें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने फैमिली मेंबर का ख्याल रखें, बात करें अगर बात नहीं हो रही है तो. और आप देखेंगे इस वीडियो में आगे पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर बात कर रहे हैं विराट कोहली के कल की इनिंग के बारे में. हालांकि यार वो तो विराट कोहली खुद ही कह चुके हैं, और सचिन तेंदुलकर ने भी कल ट्वीट किया था कि विराट कोहली की सबसे अच्छी इनिंग है अब तक की, सबसे मतलब उनकी जो ओवरऑल करियर देखें तो सबसे अच्छी इनिंग है कल की इनिंग, और मेरे हिसाब से है वो. पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल बात. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद. और जब भी मैं स्कोर करना शुरू करूंगा तो देन आई कैन स्कोर बिग. सो वन इनिंग दैट कैन शो द ग्रेटनेस के बिल्कुल फ्रॉम नो वेयर ऐसा मैच बनाना, जिताना और इस कंडीशन में. चार पे 31 पे चार आउट थे वो जी, चेजिंग 160 अगेंस्ट पाकिस्तान बॉलिंग. इवन इन द लास्ट 3 ओवर्स आई थिंक ऑन दिस पिच और जिस किस्म की ग्राउंड थी, जितनी बड़ी बाउंड्रीज थी, वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर्स, टू ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर्स इन द वर्ल्ड बॉलिंग, और ये चेस डाउन करना और कैलकुलेटेड किस्म की, और स्पेशली वो दो शॉट्स जो हारिस रोफ को खेली है, इवन शाहीन का आखिरी बॉल पे जो चौका था, आई मीन दैट शोज द एक्सपीरियंस कि अच्छे बैट्समैन की यही सबसे बड़ी चीज़ होती है. बिफोर द बॉलर वॉज बॉलिंग दैट डिलीवरी, उसको पता था, वो माइंड रीड कर रहा था कि अब यहाँ पे बॉल आने वाला है, लुकिंग एट द फील्ड, रीडिंग उसके दिमाग को पढ़ रहा था. That's why I think वो कामयाब हुए स्कोर करने. So Virat scored 36 runs on the last 11 balls that he faced. 36 runs of the 11 balls he faced. And also बड़ा अच्छा इन्होंने जो अपना इंटरव्यू दिया है अभी at the end of the game, he was very emotional. And you know he credited, he said, Hardik Pandya said to me, just keep playing, keep believing. Keep playing, stay on the wicket, keep playing, keep believing. I mean, that's just phenomenal. There's another scary stat for the great Virat Kohli. Yeah. His average against Pakistan spinners his last 10 years is just mere 415 runs. Yeah, and look at the greatness of the guy. Just look at these sixes that he hit now. Look at this one. That is the best of the lot. A very difficult shot to play. I think the most important... And again... The most important thing in that inning was his calmness. Yeah. I mean, you believe in yourself, no matter jo bhi situation hai. Even last moment tak, they were laughing. Woh aakhri do over mein saare bahar dekhne wale aise baithe honge, ab kya hona. But Hardik Pandya aur woh jis tarah aakhri over mein bade smiling, relaxed, calm, confident the. Aur mere khayal mein jo main reason bhi thi, unki calmness aur Pakistan thoda sa hum एंड पे आके पैनिक हो गए थोड़ा सा, हमारा जो हम वो प्रेशर को उस तरीके से हैंडल नहीं. दो दफा हो चुके हैं हमसे, एक दफा ये फाइनल में हुआ है. मैं यही लेकर आ रहा था वसीम, आई वाज गोना आस्क यू दिस क्वेश्चन. लुक वी हैड श्रीलंका एट 70 समथिंग फॉर 60 समथिंग 58 फॉर 5 and then all of a sudden they put us 170 plus total that became impossible to chase on that. We had them at 30 something for 31 for 4 and then 144 the fifth wicket fell. It's just where are we going wrong? There has got to be somewhere. What is it a bad call on the choices of the bowling resources we are deploying? Is it because the resources are not enough? Wakar, what is going on there? Why do you think we kind of lose? We grip them and then chal thoda ja saa le thodi si. What's going on? ये पिछले कुछ मैचों में ऐसा हुआ है. आई मीन पाकिस्तान हैव वन लॉट ऑफ गेम्स आल्सो इन सिमिलर सिचुएशंस आल्सो. T20 क्रिकेट इज लाइक दैट, यू विल हैव गेम्स वेयर यू विल लूज आल्सो. बट ये आई मीन यू डोंट फॉरगेट द कैप्टन इज आल्सो वेरी यंग, सम टाइम यू नो रीडिंग ऑफ द गेम बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट एट टाइम्स. बट
Yeah, I mean, I wasn't expecting that, to be very honest. I thought the first shot was outstanding, the one he hit down the pitch. Second one was just, it could have gone in the hand also, just a flick. And this is T20 cricket. When you have kashtiyan jala di hoti hain, then you hope that when I down guard, I'm going to play my stroke bravely, and it will come good. And it did come good. You know, I think if we... कुछ शोज पहले या कुछ दिन पहले जो हम शो में बैठे हुए थे तो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था वसीम भाई से और वकार भाई से कि हम लोग नया बॉल अच्छा करते हैं पुराना नहीं अच्छा करते. उसका मुझे जो थोड़ा सा लगता है वो ये है कि आप की जो यूटिलाइजेशन है बॉलर्स की उसमें आपको एक्सपीरियंस बॉलर एक दो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो रॉ टैलेंट है वो आपको अच्छा स्टार्ट में करके दे सकता है, लेकिन जब उस पर प्रेशर पड़ेगा ना तो वो ब्रेक होगा सबसे पहले. बॉलर्स, आई मीन मे बी हारिस रऊफ इज वन ऑफ द प्रीमियर बॉलर्स, ही इज प्लेइंग फॉर लॉन्ग पाकिस्तान. शाहीन आल्सो एक्सपीरियंस्ड. वसीम भाई, देयर आर एरियाज वेयर वी हैड एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स, बट हम इस पर्टिकुलर फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ उसमें हम नहीं उन देखें. जब आपका फील्ड पे आपका कैप्टन जो है इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, आपका कैप्टन जब इनएक्सपीरियंस्ड है तो उसमें अगर व्हेन इट कम्स डाउन टू बोलिंग, तो अगर आपने देखा हो कि हार्दिक पांड्या जो है वो अक्सर रोहित शर्मा से पहले बॉलर्स के पास चला जाता है, उनको प्लान देता है अगर एग्जीक्यूट ना हो विच दे हैव डिस्कस्ड इन द मीटिंग, ठीक है, तो वो चले जाता है. इसलिए जब आपका एक्सपीरियंस आदमी अंदर होता है तो वो बॉलर्स के साथ बात कर सकता है. अब मैं नहीं बता सकता इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी, क्योंकि मैं बैट्समैन हूँ, जो आपको पता है या वसीम भाई को पता है, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ पर कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंस आदमी अंदर हो. और वैसे भी ये सिर्फ हमें बड़े गेम्स याद हैं, लेकिन अगर हम इसके स्टैट्स निकालें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ऊपर से आउट किए हैं, नीचे से हम लोगों ने मार खाई है, सिर्फ हमें बड़े मैचेस याद हैं. अब एक्सपीरियंस, अब T20 में हारिस को और उसको एक्सपीरियंस है ना. अब हमने जब प्रेशर पड़ा पाकिस्तान पे भी इंडिया पे भी, आखिरी से 16 से लेकर 19वें ओवर तक जब स्कोर पड़े हमें, हमारे दोनों फास्ट बॉलर्स ने बजाय के वो जो बैक ऑफ अ लेंथ हम मुश्किल से डिलीवरी उस पिच पे हो रही थी, ये हमने उन कितने काफी सारे 11 स्लो बॉल्स किए, 11 स्लो बॉल्स किए हैं हमने, तो ये इनएक्सपीरियंस है जो आया ना वसीम भाई. अब इमेजिन आप विकेट लेने जा रहे हो, आप स्लो बॉल जो छक्के दो पड़े हैं वो दोनों स्लो बॉलों में पड़े हैं. एक्सपीरियंस्ड आदमी होगा तो वो असेस करके बताएगा ना आपको कि बॉलर्स जो है नहीं ये नहीं चल रहा तो ऐसे कराओ बोले. सो हारिस रऊफ इज अनक्वेश्चनेबली वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर्स इन द वर्ल्ड. 3.4 ओवरों में उन्होंने 24 रन दिए थे और फिर आखिरी दो गेंदों पे उनको जो दो छक्के पड़े हैं जब 19वां ओवर करा रहे थे, दैट आई थिंक वाज व्हाट रियली हर्ट अस एंड हर्ट हिम एज वेल. एंड वो दोनों बॉल जो थे वो चेंज ऑफ पेस थे. जी बिल्कुल, वो मिसबा उस वक्त वाज लिटरली अपने इसके बाल निकलने वाले हो गए थे कि वाई, बिकॉज ही नोज एज अ बैट्समैन, शोएब भी वहाँ बैठा था कि पता है कि वो मुझे बॉल मुश्किल लग रहा है, वहाँ से अगर मैं हिट भी मारूंगा तो उससे पहले उससे जो चौथा बॉल किया है हार्दिक पांड्या को तेज लेंथ बॉल किया तो वो यहीं रह गया, बीटो ऑलमोस्ट कॉटन बोल्ड होने लगा था. एंड देन आफ्टर दैट आई डोंट नो, बट इट कैन हैपन टू एनीवन, बट ओवरऑल आई थिंक ही बोल्ड वेरी वेल. But we need to just learn from these mistakes. Obviously, in crunch situations, if we just keep repeating these mistakes. Totally. I think we need to learn from our mistakes. And I think we can learn a lot from how Virat Kohli and Hardik Pandya batted today. Sure. I think we can learn on both sides of this. Just watching them up close, you could really learn a lot from them. Now, I guess we should believe that cricket can go anywhere. Anchor. का बहुत जरूरी है हर टीम में रहना, इसीलिए स्पेशली बिल्कुल खास तौर पे पेविलियन में. यार रिगार्डलेस आप किसी भी कंडीशंस में खेल रहे हैं क्योंकि 120 बॉले बहुत बॉले हैं. और अगर हम विराट की बिगिनिंग में इनिंग्स देखें, रन अ बॉल भी नहीं थी उसके, 8-10 बॉल्स ऊपर थे उसके रन से, बट सेल्फ बिलीव एंड ही शोड के क्लास है उसमें. बिल्कुल है. वकार 154 स्ट्राइक रेट 154.7, जस्ट अमेजिंग, जस्ट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ब्रिलियंट मैच जितवाया है. सिर्फ उसका स्ट्राइक रेट नहीं हमें देखना चाहिए, ही फिनिश्ड द गेम, दैट्स व्हाट मैटर्स. आउटस्टैंडिंग. सो वकार, लेट मी ब्रिंग दिस टू यू. ये क्या कहते हैं, फॉल ऑफ विकेट्स कोको कोला की तरफ से, अगर आपकी इजाजत हो तो चलवा दो प्लीज, दो दफा चलवाएं, दो दफा, एक ही दफा, पैसे ही दफा के. फॉल ऑफ विकेट्स ब्रॉट टू यू बाय कोको कोला.
Time for Player of the Match, brought to you by Zira Plus. Time for Flying Moments, brought to you by Emirates Airline. Time for the Best Bowler, brought to you by the McDonald's app. Shoaib Malik says that he wasn't expecting it. Who wasn't expecting what, Shoaib? No, so greats, if we take out, like Javed Miazad, brothers, after that, Sir Viv Richards, Inji, bhai, bahut sare batsmen is tarah out hue hain unke career mein. To I guess ek ball se hame ye nahi judge kar lena chahiye ki wo use bouncer nahi khelna aata ya koi aisi cheez nahi hai. Bahut sare batsmen jo hai is tarah out hue hain. Haan, uski mistake ye thi ki wo he wasn't expecting. Achha. Haan, ye unki mistake so thi. So the idea is that the bowler should bowl according to your expectations. Is that what you're saying? And you're talking about cricket. Thank you. You see, you have to be ready. At this level, you expect the unexpected. Yes, there you go. That's what I meant. What I've seen, I shared my experience, how I thought. Sure, but this is not going to... Lekin agar hum use ek is pe judge karenge ki yaar use bouncer nahi khelna tha, wo halka hai, usko ye hai. Nobody said that. Hum ne to ye bilkul nahi bola ki unko bouncer nahi khelna tha. Hum sirf ye keh rahe hain ki jo unki pitch video yahan par hota hai khatam, aapne dekha kis tarike se Pakistani media ke legend, पाकिस्तान के लेजेंड, मैं बहुत बहुत पसंद करता हूँ वसीम अकरम को, देखा नहीं है खेलते हुए बट हाइलाइट्स देख के ही पता चलता है कि यार वो बंदा, मतलब जिस जो दर्जा भारत में सचिन तेंदुलकर का है वो दर्जा होना चाहिए पाकिस्तान में वसीम अकरम का, हालांकि वो दर्जा इमरान खान को दिया जाता है. तो वसीम अकरम है यहाँ पे मेरे पर्सनल फेवरेट, मेरे पर्सनल फेवरेट क्रिकेटर. मिसबाह उल हक का काफ़ी सेंसिबल जो दिमाग है उनमें, कभी भी बचकानी बातें नहीं करते हैं. शोएब मलिक वो भी मुझे फेवरेट है, और एक बेवकूफ़ बैठा हुआ है वकार. तो यार आप देख सकते हो विराट की इनिंग को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा रहा है. हालांकि आप मेरे अगर पुरानी वीडियो देखो तो राशिद लतीफ़ का एक वीडियो पड़ा है जिसमें एशिया कप में उन्होंने कमेंट किया था कि विराट कोहली T20 का बैट्समैन नहीं है. और कल उसका कमेंट देखो आप, वीडियो भी काफ़ी चला है वो. साथ साथ आप देख सकते हैं कि रमीज़ राजा ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में कमेंट किया था कि अफगानिस्तान के खिलाफ 2-3 कैच छूटने के बाद विराट कोहली ने जो सेंचुरी बनाई उसको लेकर ही इंडिया खुश हो रहा है, उसको लेकर उन्होंने एशिया कप भुला दिया, एशिया कप से बाहर होना भुला दिया और वही खुश हो रहा है. तो रमीज़ राजा को भी अच्छा खासा जवाब गया होगा. रमीज़ राजा काफ़ी सेंसिबल था जब इंडिया में कॉमेंट्री करता था, इंडिया में काम करता था. जैसे ही वो PCB का चेयरमैन बना, पता नहीं उसको क्या बचकाना हरकतें हो गई, वो पागल हो गया. तो यार ये जो लेजेंड बैठे हुए हैं इनकी बात सुने आप, और आपके जो रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें. कल की जो इनिंग है ना उसको मैं 5-6 बार तो स्टार स्पोर्ट में वही वही तो दिखा रहे हैं, वही वही दिखा रहे हैं 24 घंटे में. मतलब मैंने, और मैंने हर बार देखी है, मतलब बोर ही नहीं हो रहा हूँ. लेकिन एक चीज़ है यार, एक चीज़ है जो मज़ा लाइव देखने में आता है ना, मतलब वो एक एक बॉल का जो प्रेशर रहता है, एक एक डॉट बॉल का प्रेशर रहता है, जब आप ऐसा सिर पकड़ते हो और ये वो दिनेश कार्तिक आउट हो रहा है, मुंह से गालियां निकल रही हैं, और आप भीड़ में मैच देख रहे हो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो मतलब यार वही तो है यार एक एंजॉयमेंट यार मैच में हार जीत. हालांकि यार आप एक एक पल के लिए सोचें जो पाकिस्तानी होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी, मतलब बिल्कुल वो तो मिठाइयाँ उनके यहाँ पे मुंह पे आ गई होंगी. जब 3 ओवर में उन्होंने 48 सोचा होगा तो उन्होंने तो बिल्कुल मिठाइयाँ और सब जश्न मनाने की सोच लिया होगा कि यार अब तो मैच जीत गए. बट जिस तरीके से, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, नवाज़ जो लास्ट ओवर डाल रहा था बेचारा, उसकी कोई गलती नहीं है. स्पिनर एक तो लास्ट ओवर, ऊपर से बंदे इतने फॉर्म में, 16 रन डिफेंड करने बहुत टफ होता है, बहुत टफ. शाहिन शाह अफरीदी, हॉरिस रॉफ दोनों ने बहुत रन दिए, 3 ओवर में 48 थे तो उन्होंने भी तो रन दिए. तो आप समझ जाएं नवाज़ की कोई गलती नहीं. हालांकि नवाज़ प्रेशर में दो फुल टॉस, अब बेचारे को क्या, इतना प्रेशर वाला गेम है यार. आप देख सकते हो DK तो बिल्कुल कप रहे हैं. KL राहुल का फेस देखो आप स्टार्टिंग में, रोहित शर्मा का फेस देखो, इनको इतना नर्वसनेस है. विराट कोहली की शुरुआत की बॉल देखो, जब उसने 10-20 बॉल खेल ली तब उसको लगा कि यार बस अब मैं जोन में आ गया हूँ. पांड्या ने कोई बहुत तेज पारी नहीं खेली लेकिन प्रेशर एब्जॉर्ब किया, 37 बॉल में 40 रन बनाए. अगर पांड्या 37 बॉल में 50 बना देता तो लास्ट ओवर में फिर हमें रन ही ना चाहिए रहते उतने, 10 रन और कम कर दो, 6 रन चाहिए होते. तो वो जो है ना प्रेशर एब्जॉर्ब करना, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है. आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब